सरहद पे गोली खाते जब फूट गए मेरे सांस, मुझे भेज देना मेरा प्यारा मेरे बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ू, दवा दम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकियां बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना, बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज कानपुर मेट्रो के मोती झील मेट्रो स्टेशन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पूरे उत्साह के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी श्रृंखला में आज का आयोजन संपन्न हुआ। देश के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए आज शाम लगभग 5 बजे से मेट्रो स्टेशन पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसकी पहली कड़ी में UPMRC के प्रतिभागी स्टाफ ने वीररस से ओतप्रोत कविता पाठ किया और अपने साहित्यिक रुझान एवं कौशल की झलक दिखलाई। इस संगोष्ठी में इतिहासकार मनोज कपूर, इतिहासकार डॉक्टर हेमलता सिंह, डॉक्टर सुबोध सक्सेना अतिथि वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए। सभी ने उक्त विषय पर अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। विमर्श की शुरुआत करते हुए डॉक्टर हेमलता सिंह ने कहा कि कानपुर ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा तब दी जब नाना साहेब ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका। एक तरफ जहाँ राजा रजवाड़े क्रांति को लेकर बटे दिख रहे थे, वहीं नाना साहेब ने एक सफल नेतृत्व प्रस्तुत किया और क्रांति को नई दिशा मिली। परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुबोध सक्सेना ने बताया कि 1857 में आजादी के संघर्ष का जो बीज बोया गया, वह किस तरह से आगे चलकर स्वतंत्रता के व्यापक और संगठित संघर्ष के रूप में फलीभूत हुआ। अंत में मनोज कपूर ने कहा, नाना साहेब पर कानपुर छोड़ने के दौरान नाव पर सवार अंग्रेजों के नरसंहार का आरोप लगता है, जबकि सच यह है कि भागते हुए अंग्रेजों ने मल्लाहों पर गोलियां चलाई थी और उसके जवाब में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर गोलीबारी की। अपनी बात को समाप्त करते हुए उन्होंने 1857 की क्रांति के इतिहास पर शोध परक नजरिया रखने की सलाह भी दी। अंत में सभी अतिथि वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए इसे सामाजिक सरोकार की दिशा में एक अच्छा कदम बताया और कहा कि ऐसे आयोजन आज की पीढ़ी को आजादी के संघर्ष के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में काव्य पाठ के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। निधि सिंह ने प्रथम स्थान, दीक्षा तिवारी ने द्वितीय और देवेंद्र सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सरहद पे गोली खाके जब फूट गए मेरे सांस, मुझे भेज देना मेरा प्यारा मेरे बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ू, दवा दम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोलकियां बजाना, पूरे गाँव में घुमाना और माँ से कहना, बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमोह जी कहते थे, बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे, उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोल के आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। बन जाता है उस कुर्बानी के दीपक से, सूरज भी शर्माता है। गर्म दाहनों पे तोपों के सीने जो बढ़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन भी रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का शिव मंदिर की मूरत जैसा। स्वतंत्र घड़ी अतुलाती है जब कदाचार की परछाई, सुविचार घटाने लगती है जब कायरता बन कर विशाल मन को तड़पाने लगती है। धरती पर आना पड़ता, बलिदान
57 या खूब कहानी कहता है, ना भूलो उनको तुम जिनके तिरंग रगों में बहता है। उनको था अंदाजा क्या होता है आजादी से जीने में, किया जाता है 1857 का ना 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें पूरे भारत में स्वतंत्रता के आंदोलन को नई दिशा दी। देश के हर कोने से विद्रोह की आग भड़क उठी थी। वहाँ पर कानपुर के नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर, बिहार से कुंवर सिंह। देखिए 10 मई 1857 हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम था देश का, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारा देश जब उठ के खड़ा हुआ उसकी याद में है। हालांकि 10 मई की जो तारीख है वो संग्राम मेरठ से शुरू हुआ था और वो कानपुर आते आते उसमें 4 से 5 जून 1857 उसमें जो समय सीमा वो हुई थी। लेकिन हम अपने वीरों को याद कर रहे हैं और कानपुर के उन स्मृतियों को याद कर रहे हैं जो जिसने कि देश को एक दिशा दी। जैसे नाना साहब है, उनका जो धुंधुपन जिनको कहा जाता है, वो कानपुर से जब वो उठे यहाँ से बिठूर से उन्होंने नेतृत्व दिया तो पूरे देश को एक जो खोया वो नेतृत्व था वो हासिल हुआ। तो एक राजे रजवाड़ों में हम जो बटे हुए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने में कानपुर का बड़ा योगदान था। और आप देखते हैं कानपुर स्वाधीनता के संग्राम के जो इतिहास के जो चिन्ह हैं वो कानपुर में जगह जगह बिखरे पड़े हुए हैं। तो उन स्मृतियों को याद करने के लिए तमाम इतिहास के जो प्रोफेसर्स हैं वो आए हुए हैं। साफ तौर पर साथ ही साथ कानपुर मेट्रो के UPMRC के जो युवा प्रतिभागी हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। वो 1857 की क्रांति के बारे में अपनी गीतों को प्रस्तुत कर रहे हैं और उसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान उसको भी जो है यहाँ पर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये कोशिश ये है कि हमारे युवा जुड़े, अपने इतिहास को जाने, अपने गौरव को जाने कि कितना गौरवशाली जो अतीत हमारा रहा है उसी की कोशिश कानपुर मेट्रो की है। और ऐसे कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हमें करने हैं तो हम लगातार हर महीने कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। लखनऊ में भी हो रहा है तो ये मई के महीने में है, जून जुलाई और अगस्त 15 अगस्त तक हम ये कार्यक्रम हर महीने कोई ना कोई करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।